मोदीको पूर्वोदय भारत विकासरे जोडी हेला आउ एक अध्याय। भारतीय रेल इतिहासरे स्थान पाइला आदिवासी अधुषित तथा गडजात अंचल नीलगिरी। आसंता डिसेंबर 1 रु नीलगिरीरु चालिबो नूतन पैसेंजर ट्रेन, जहाँ को नै नीलगिरी समेत आखपाख अंचल देखा दैछि खुशी। मोदीको विकास गाडीरे जोडी होइछि नीलगिरीर इंजिन। नीलगिरीरे बीजेपी डबल इंजिन सरकार थिबा बेले पुणी एक इंजिन विकास रथ नै दौड़ आउ कई घंटार अपेक्षा पूरण होइछि नीलगिरीवासीक दीर्घ दिनर स्वप्न और दाबी। कथा दे कथा रखिछन्ति केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। 1 तारीख में केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी और नीलगिरी विधायक सुकांत कुमार नायक नीलगिरी आसी गोपीनाथपुर नीलगिरी नूतन स्टेशन रु नूतन ट्रेन चलाचल पर शुभ देवे। मुँ तो आज बहुत खुशी अच्छी। आमर डिसेम्बर 1 तारीख दिन आम इनाग्रेसन हम ट्रेन चलो, गोटे भुवनेश्वर चलो, गोटे हावड़ा जीव। एत खुशी मान मुँह भी खुशी, आम अंचलवासी भी आहरी बहुत खुशी। आम अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एम उद्यम आज डिसेम्बर 1 तारीख दिन जो दिन आम ट्रेन चलो, से दिन आम एत खुशी हवा माने से खुशी कही हेन से एत खुशी हवा। प्रतीक्षित नीलगिरी गोपीनाथपुर भाया सोमनाथपुर देकर सुतई बड़गाम देकर बालेश्वर को कनेक्टेड जो ट्रेन लाइन रेल चलाचल आरंभ हम लोकार्पित हम मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित रहिबे, मान्यवर सांसद मान्यवर विधायक समस्त उपस्थित रहिबे एवं आम समस्ते तार मुख साक्षी बनवा। ये ऐतिहासिक क्षण ये बहुत आनंद विषय आम समस्त। नीलगिरीवासी स्वप्न और दाबी पूरण करिछन्ति मोदी। नीलगिरी राज्यर विभिन्न स्थान को गमनागमन और वाणिज्यकरण पर नीलगिरीवासी मिली नूतन ठिकना। यहसह राज्यर विभिन्न स्थान को रेल संजोग पर दाबी होइछि। नीलगिरीर विकास हेबा सहित आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होइपारिब बोली कुहाजाइछि। नीलगिरीवासी मानक अभिनंदन दौर शुभेच्छा सहित कि सी व्यवहार करूँ ट्रेन टाक गाड़ी जावास कर ठीक अच्छे कि ट्रेन सर्टेस्ट रूट से समस्त लाभ हम से ट्रेन टा जदि बालेश्वर रु एक्सटेनसन हम कलकता हो कि आपणकर भुवनेश्वर हो कि पुरी हो लोक निश्चय से व्यवहार करेंगे आउ इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल कम्युनिकेशन लिंक। इस स्टेशन का अपग्रेडेशन करके यहाँ से यात्री गाड़ी चलाने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती उसी के हिसाब से इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इस हिसाब से नई स्टेशन बिल्डिंग बनी है, सर्कुलेटिंग एरिया बना है, प्लेटफॉर्म बना है, प्लेटफॉर्म शेल्टर बने हैं, उस पर सारी जो यात्री सुविधाएं वो दी गई है। और यहाँ से लगाकर बालासोर तक का जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है उसका अपग्रेडेशन किया गया है पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से, जिसकी CRS सैंक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। इतिहास सन्नाखर लिपिबद्ध हम गोपीनाथपुर नीलगिरी रेलवे स्टेशन। आउ कई घंटार अपेक्षा परे दीर्घ दिन नीलगिरीवासी स्वप्न पूरण हेबो। गमनागमन और व्यवसायीकरण पर मिल नूतन ठिकना। नीलगिरी प्रीनाथ बेहरा, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।